कॉलेज की परीक्षाओं पर सरकार के निर्णय के बाद अब फाइनल ईयर और प्राइवेट के छात्रों की परीक्षाओं पर छात्र संगठनों में एक सियासी दौर शुरू हो गया। एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया और फाइनल ईयर और प्राइवेट के छात्रों की परीक्षा के समर्थन में है, तो वहीं एनएसयूआई प्राइवेट पढ़ने वाले छात्रों और तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की मांग पर अड़ा हुआ है। एनएसयूआई ने फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं ना लेकर बोनस अंक देने की मांग की। इस मांग को लेकर एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल को ज्ञापन सौंपा। सरकार ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर अहम फैसला किया है। लॉकडाउन के बाद फाइनल ईयर और प्राइवेट के छात्रों की लिखित परीक्षा लेने का फैसला हुआ है। इसके बाद दोनों छात्र संगठनों में तनातनी चल रही है। सरकार द्वारा जारी आदेश, चाहे वो वैकल्पिक मूल्यांकन हो, चाहे फाइनल ईयर विद्यार्थियों के छात्रों की परीक्षा का विषय हो, उस आदेश का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में स्वागत करती है कि वैकल्पिक मूल्यांकन और फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का परीक्षा होना चाहिए और ये निर्णय बहुत सही है। माननीय शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी से हम एनएसवी के छात्र प्रतिनिधिमंडल में मुलाकात की और उनसे धन्यवाद ज्ञापित किया उन्हें कि उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों को जो जनरल प्रमोशन दिया और थर्ड ईयर के छात्रों को परीक्षा ली जाएगी। और हमने आज एक मांग उनके सामने और रखी है कि प्राइवेट में पढ़ने वाले छात्रों को भी जनरल प्रमोशन का लाभ मिल सके। भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा छात्र हित में निर्णय लिया जाएगा।